सभी किसान कामगार भाइयों को राम राम। नमस्कार, आप देख रहे हैं रन फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल पर। आज बढ़ौत ट्रैक्टर बाजार की वीडियो पार्ट वन। आगे भी हम बढ़ौत के बाजार की दो और वीडियो दिखाएंगे। लगातार हम शामली ट्रैक्टर बाजार की भी वीडियो आपको दिखा रहे हैं, एक के बाद एक लगभग दर्जन भर शामली ट्रैक्टर बाजार की वीडियो हम चैनल पर आपको दिखाएंगे। अब हम आपको बढ़ौत लिए चलते हैं। बढ़ौत की यह छपरौली चुंगी है। छपरौली चुंगी पर ट्रैक्टर की मरम्मत, ट्रैक्टर को बेचने और ट्रैक्टर मॉडिफाइड करने के कई गोदाम और कई कारखाने हैं। बढ़ौत में छपरौली चुंगी के समीप ही ट्रैक्टरों की मरम्मत और इंजन ठीक करने वाले कई बड़े मिस्त्री हैं। आप अपने ट्रैक्टर की यहां अच्छी मरम्मत करा सकते हैं और वाजिब दाम पर इंजन की रिपेयरिंग करा सकते हैं। बढ़ौत में यह छपरौली चुंगी है। छपरौली चुंगी के पास मन्नू भाई का ट्रैक्टर का बेचने का एक बड़ा गोदाम है। अब आइए बढ़ौत में छपरौली चुंगी के मनु भाई गोदाम पर ले चलते हैं। भाइयों, मैं सतीश शर्मा जाफराबादी, आप देख रहे हैं रन फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल। आज मैं यहाँ बढ़ौत के ट्रैक्टर बाजार में हूँ और ये छपरौली चुंगी के पास का इलाका है। मन्नू भाई ट्रैक्टर का ये गोदाम है जहाँ हम यहाँ आज मौजूद हैं। और यहाँ कौन कौन से ट्रैक्टर किस भाव में, किस कंडीशन में उपलब्ध हो जाते हैं, आइए हम इस गोदाम के मालिक से आपकी बात कराते हैं और आप देखिए पूरा वीडियो और देखते हैं किस किस भाव के ट्रैक्टर यहाँ के बाज़ार में उपलब्ध हो जाते हैं। तो देखते रहिए पूरा वीडियो। ये बताइए, आपके पास कौन कौन से ट्रैक्टर मिलते हैं और कब से आप ये ट्रैक्टर बेचने का काम कर रहे हैं? आयशा, महिंद्रा, सोनालिका, न्यू होलैंड, जॉन डियर। अच्छा, कब से आप ये ट्रैक्टर बेचने का काम कर? 5-6 साल से। अच्छा, इससे पहले आप क्या करते थे ये बताइए? खेती करते थे। अच्छा, दुकान करते थे पंप की। अच्छा, पंप की दुकान करते थे, अब ये ट्रैक्टर बेचने का काम कर रहे हैं आप। तो अभी हम आपका ट्रैक्टर जो देख रहे हैं आयसर है, 241 है। ये सेल्फ स्टार्ट ट्रैक्टर है। सेल्फ स्टार्ट। टायर पिछले इसके हैं 40 पैसे और अगले टायर तो घिस्सम घिस्सा हो रहे हैं आपके। और सीट वगैरह ठीक ठाक है, रंग भी आपका पेंट भी पेंट करा रखा है। ओरिजिनल है कि ओरिजिनल? ओरिजिनल, एक बोल्ट भी डुप्लीकेट नहीं है। अच्छा अच्छा, तो ये ट्रैक्टर कौन सा मॉडल है जी आपका? ये 14 मॉडल है। अच्छा, 2014 मॉडल है। और नंबर तो इसका हरियाणा हरियाणा नंबर। अच्छा अच्छा, नाम हो जाएगा। अच्छा, नाम हो जाएगा किसान के। तो कम से कम कितने पैसे का ये ट्रैक्टर उपलब्ध हो सकता है? ये 2,25,000 रुपये का। 2,25,000 का। अच्छा, और कोई खास बात है? इसकी स्टार्ट चाबी लगी हुई है पूरा? हाँ, चाबी लगी हुई है। तो ये इसकी चाल देख सकते हैं, स्टार्टिंग देख सकते हैं? हाँ बिल्कुल, देखो जरा इसका करिए इसे स्टार्ट। आपका ये ट्रैक्टर आयसर देखा है, स्टार्टिंग बढ़िया थी, लेकिन ये जंप उछल कूद कैसे कर रहा था इतना? ट्रैक्टर आयसर उछलता नहीं, क्या खास बात थी? ये ओरिजिनल है। अच्छा, ओरिजिनल है, पूरा ओरिजिनल। अच्छा अच्छा, अब ये ट्रैक्टर आपका ये महिंद्रा है, 575 DI। हाँ जी, इसमें बम्पर भी लगा हुआ है, पेंट पांट भी ठीक हो रखा है। ओरिजिनल है, पूरा ओरिजिनल है। कौन सा मॉडल है जी आपका? 17 मॉडल, 2017 मॉडल है। 575। अच्छा, 575। तो ये पावर स्टीयरिंग है जी आपका? पावर स्टीयरिंग है, डबल क्लच। अच्छा, डबल क्लच में है। हाँ जी। अच्छा, इसके टायर साइज भी अलग है जी कुछ? सब सात के है। अच्छा, ओरिजिनल में है। 13 वो है, 7 के ट्रेड, 13 7 के टायर है इसमें। अच्छा, सिलेंडर इसका 3 है 4 है? सिलेंडर है 4। 4 सिलेंडर में हॉर्स पावर इसका? 45 हॉर्स पावर। 45 हॉर्स पावर है। तो ये कौन सा बता रहे थे मॉडल आप, कौन सा है ये? 17 मॉडल। 17 मॉडल है, ये भी हरियाणा का नंबर? हरियाणा नंबर। तो ये कितने पैसे में उपलब्ध हो सकता है? ये होगा 4,35,000 रुपए। अच्छा, क्यों इतना महंगा? क्यों, कितना चला हुआ है आपको ये ट्रैक्टर? ये 1,000 घंटे चल रहा है। मात्र 1,000 घंटे चला हुआ है। अच्छा, बिल्कुल सेल्फ स्टार्ट है, कंडीशन फिट है एकदम? बिल्कुल फिट। अच्छा, अभी अगला आपका ट्रैक्टर है मनु भाई, ये भी 575 DI है महिंद्रा। हाँ जी। और अगले टायर तो बिल्कुल इसके ऐसे हो रहे हैं जैसे कहीं बाबा धाम के गोदाम से निकले हों। पिछले टायर बिल्कुल घिस्सम घिस्सा दिख रहे हैं आपके? सब 7 के हैं इसके। अच्छा, इसके 7 के ही हैं। तो ये पेंट पांट भी इसका दोबारा है कि ओरिजिनल पेंट है? ओरिजिनल। छतरी है नहीं आपके इसमें? सेल्फ स्टार्ट है जी बिल्कुल? सेल्फ स्टार्ट। स्टीयरिंग सादा है आपका? हाँ जी। तो ये मॉडल कौन सा है जी मनु भाई? ये 7 मॉडल है जी, 2007 मॉडल है। अच्छा, ये क्या कीमत है मांग रहे हैं आप, कम से कम बताइए? इसका है जी 2,00,000 रुपए। 2,00,000 रुपए में उपलब्ध हो जाएगा। नंबर इसका पंजाब का होगा? हरियाणा। हरियाणा का होगा। कागज पूरे हो जाएंगे साथ के नाम हो जाएंगे? सब कागज, पूरी गारंटी जो बाल बताएंगे आप? हाँ। टायर वही देंगे, कुछ घिस्सा घिस्सा के बदल के देंगे थोड़ा? नहीं, यही देंगे जो अच्छा, यही टायर देंगे।
अच्छा, ये बिल्कुल फिट कंडीशन में स्टार्ट है ट्रैक्टर आपका। चलिए आप और ट्रैक्टर देखो भाई, ये जो आपका ट्रैक्टर है महिंद्रा 265 DI। हाँ जी, बम्पर लगा हुआ है, पेंट तो इस पर हो रखा है मेरे ख्याल से। पेंट हो रहा है, पेंट हो रहा है। और अगले टायर तो 10-20 पैसे बचे हैं, पिछले टायर है आपके 50-60 पैसे भाई साहब। 70 पैसे, 70 पैसे मानते हैं, चलो आपकी बात बड़ी करते हैं। तो ये आपकी मॉडल कौन सा है जी ट्रैक्टर आपका? ये 99 जी। अच्छा, 1999 है। अच्छा, 20-21 साल पुराना ट्रैक्टर हो गया आपका ये। तो ये नंबर ये भी ये हरियाणा का होगा जी? हरियाणा जी। हाँ, 2 सिलेंडर में है ये ट्रैक्टर आपका? हाँ, 2 सिलेंडर। सादा स्टीयरिंग है इसकी? दो नहीं, 3 सिलेंडर है। 3 सिलेंडर। हॉर्स पावर क्या है इसका? इसकी हॉर्स पावर है 30 हॉर्स पावर है। तो ये क्या कीमत है मांग रहे हैं आप इसकी? इसके मांग रहे जी 1,40,000 रुपये। 1,40,000 रुपये, बिल्कुल। बाकी कंडीशन फिट है इस ट्रैक्टर की? बिल्कुल ओके। अच्छा अच्छा, और आपका ये अब ट्रैक्टर आईसर हम देख रहे हैं, एकदम के जमाने का स्टार्टिंग है, हैंडल से स्टार्ट होता है कि सेल्फ है स्टार्ट? ये सेल्फ स्टार्ट भी है, हैंडल भी है, दोनों है। दोनों है, सेल्फ हैंडल और टायर अगले तो इसे घिसम घिसा है, गंजे हो रखे हैं पूरे। अच्छा अच्छा, और इसका साइलेंसर तो आपने नया लगवा दिया है इसमें? नया लगवा दिया। तो ये आईसर है आपका, कौन सा है ये? 94 मॉडल है, जेड पट्टी। अच्छा अच्छा, जेड पट्टी वाला। तो ये आपका कितना क्या कीमत मांग रहे हैं इस ट्रैक्टर की? इसके मांग रहे हैं 1,00,000 रुपए। 1,00,000 रुपए में, बाकी सब फिट है कंडीशन इसकी? कंडीशन सेल्फ स्टार्ट है ट्रैक्टर आपका? सेल्फ स्टार्ट। अच्छा अच्छा, तो चाबी तो है इसमें लगी हुई है क्या? बैटरी चार्ज हो रही है। अच्छा, बैटरी चार्ज हो रही है बाकी। अच्छा, छतरी वगैरह ऐसे देंगे कि बदल देंगे आप किसान को? आपको अच्छा सब देंगे। अच्छा, ये ट्रैक्टर और आपका ये भी आईसर है? सर्विस होने के लिए आया है। सर्विस होने के लिए आया है। और एक ट्रैक्टर महिंद्रा है 265 DI, ये बिक्री का है? हाँ, ये 2004 मॉडल है। अच्छा, 2004 मॉडल है। अगला टायर भी घिसम घिसा है, पिछले आपके 20 पैसे बचे हैं भाई साहब। 20 पैसे नहीं, 40 पैसे। अच्छा, 40 पैसे मान सकते हो आप इनको? आइए, 7 के टायर। 7 के टायर है। हाँ जी। तो ये मॉडल कौन सा है जी? 4 मॉडल है। हाँ जी। अच्छा, ये सिलेंडर 3 में है ये भी? ये हाँ जी। और हॉर्स पावर इसका 30 है? हाँ, 30। अच्छा, ये मॉडल 2004 बता रहे थे आप इसको? हाँ जी, हाँ। तो ये यही हरियाणा नंबर होगा जी? हरियाणा नंबर। क्या कीमत मांग रहे हैं आप इस ट्रैक्टर की? इसके 1,60,000 रुपये। अच्छा, 1,60,000 रुपये। बाकी कोई सामान वामान है इसके साथ में के एज इट इज रहेगा? ऐसे ही है ये। अच्छा, अब ये अर्जुन है आपके पास महिंद्रा का ट्रैक्टर? हाँ जी, है ना। आइए जरा इसके पास आप देखते हैं बात। बम्फर तो लगा हुआ ठीक मजबूत इसका, बाकी शोकेस इसका खोमचा तो बिगड़ा हुआ है। हाँ जी, है। तो ये पावर स्टीयरिंग में है जी? हाँ, पावर स्टीयरिंग है। अच्छा, टायर अगले इसके घिसम घिसा, पिछले घिसम घिसा है जी? हाँ जी, हाँ। अच्छा, तो ये मॉडल कितना बताया था आपने इसका? 9 मॉडल, 2009 मॉडल है। सिलेंडर कितना है इसका? सिलेंडर 4 होगा ना सिलेंडर? नहीं, 4 सिलेंडर। 4 सिलेंडर। हॉर्स पावर इसका कितना है? 50 है। महिंद्रा का है ना, बड़ा ट्रैक्टर है। अच्छा, कंडीशन इसकी आपने बड़ी ऐसी कर रखी है ना? हो जाएगी तो ठीक। तो ये कितना इसी हालत में बेचेंगे या कुछ काम करके देंगे आप? ना, बस ऐसे ही। अच्छा, क्या कीमत मांग रहे हैं इसकी आप? इसके 1,60,000 रुपये। अच्छा, 1,60,000 में है ना ये उपलब्ध हो सकता है? और रेट वगैरह कुछ ऊपर नीचे हो सकता है थोड़ा बहुत किसान के लिए? यही है, बिल्कुल फिक्स रेट रहेगा, बिल्कुल फिक्स। अच्छा मनु भाई, एक ट्रैक्टर आपका सोनालिका DI 35 ये हम देख रहे हैं, ये बिक्री के लिए? ये भी बिक्री का है? हाँ जी, बिक्री। अच्छा, अगले टायर, पिछले टायर तो इसके ठीक है, पूरे टायर है जी? छतरी लगी हुई है, सीट लगी है, साइलेंसर भी ठीक है आपका, पेंट भी ठीक ठाक हो रहा है, सिलेंडर 3 सिलेंडर में है जी सोनालिका ये? हाँ जी। अच्छा, अगले टायर तो इसके 10-20 पैसे ही बचे हैं भाई साहब, बम्पर आपका फिट है जी? तो ये 40 पैसे जी। कौन सा मॉडल है जी आपका ये ट्रैक्टर? ये 8 मॉडल है जी, 2008 मॉडल है। पंजाब का होगा, हरियाणा नंबर? हरियाणा नंबर, हरियाणा नंबर। अच्छा, इसकी क्या कीमत मांग रहे हैं जी आप? इसके 2,10,000 रुपये। कितना? 2,10,000। हाँ जी। अच्छा, बाकी यही कंडीशन होगी? हाँ जी सर। क्या इसमें चाबी लगी हुई है? हाँ, हो जाएगा। इसकी चाल दिखाओ मनु भाई, इसकी क्या, एक मिनट इसकी दिखाइए भाई, जुल्ले करिए स्टार्ट। मनु भाई, ये ट्रैक्टर आपका है आईसर? हाँ जी। और आईसर है ये 241 मॉडल, 2000 मॉडल है? हाँ जी। अच्छा, बम्पर लगा हुआ है इसमें? हाँ जी। और भाई साहब, आपका ये हैंडल का जुगाड़ भी है इसमें? हैंडल से भी सेल्फ स्टार्ट है? सेल्फ स्टार्ट है। टायर तो बिल्कुल घिसम घिसा है जी, दोनों गंजे है आपके? और अगले जो है पिछले टायर भी आपके बिल्कुल मामला घिसम घिसा ही चलते हैं, चल सकता है, बाकी टायर बदलवाने पड़ेंगे इसमें। छतरी है नहीं, सीट लगी हुई ठीक ठाक आपकी। तो ये मॉडल कौन सा है जी आपका? 2000 मॉडल है। तो ये भी हरियाणा का नंबर होगा सर? हाँ जी, हरियाणा नंबर। तो क्या इसकी कीमत मांग रहे हैं आप? इसके 1,10,000 रुपए जी। अच्छा, 1,10,000 रुपए। हाँ जी।
अच्छा, बाकी सब स्टार्ट है, सेल्फ सब सेल्फ स्टार्ट। अच्छा, दूसरा ट्रैक्टर मन्नू भाई आपका देख रहे हैं हम, ये स्वराज है, 724 है, बम्पर लगा हुआ है इसमें, ट्रैक्टर के टायर अगले फिट हैं, पिछले भी टायर 70-80 पैसे हैं आपके टायर, छतरी लगी हुई है, साइलेंसर लगा हुआ है, बाकी कंडीशन कलर और ओरिजिनल है कि आपने करा रखा है? ओरिजिनल, सब ओरिजिनल है। अच्छा, सिलेंडर इसका कितना है? दो सिलेंडर। अच्छा, हॉर्स पावर कितना होगा ये? 24 हॉर्स पावर है। तो ये क्या नंबर मॉडल कौन सा है ये आपका? ये मॉडल 10 है, हरियाणा का नंबर होगा ये भी? हरियाणा का। क्या कीमत मांग रहे हैं आप इस ट्रैक्टर की? इसके है जी 1,90,000 रुपये। अच्छा, 1,90,000 रुपये। अच्छा मुन्नू भाई, ये बताइए हम जो इस समय है आपका ये जो गोदाम है ट्रैक्टर का, ये इसका एड्रेस बताइए, क्या एड्रेस है? कोई ये दिल्ली सहारनपुर रोड पे पंजाब नेशनल बैंक के सामने, दिल्ली सहारनपुर रोड है, पंजाब नेशनल बैंक है के सामने। अच्छा, के सामने है। और आपकी फर्म का नाम क्या है? मन्नू भाई का ये गोदाम है ट्रैक्टर का। अच्छा, कोई अपना मोबाइल नंबर बताइए मन्नू भाई, जिससे हमारे कोई ग्राहक आपसे कोई मॉडल ट्रैक्टर का आप जानना चाहे, कोई पसंद करना चाहे, कुछ पूछना चाहे, तो अपना मोबाइल नंबर बताइए। 9972-1453-12 9972-1453-12 है, ये आपका नंबर है। तो मन्नू भाई, और भी ट्रैक्टर आप रखते होंगे कोई? जाते रहते हैं। अच्छा, काफी दिनों से काम कर रहे हैं, तो आपके ट्रैक्टर आपको नहीं लगता कुछ ज्यादा महंगे रेट बता रहे हैं? तो आप इतने महंगे क्यों बता रहे हैं? नहीं, महंगे नहीं है जी। अच्छा, तो हरियाणा में आजकल महंगा हो गया, तो यहाँ भी। अच्छा अच्छा, तो जो आप बता रहे हो कागज वगैरह जो बता रहे हैं, कागजों की और पटे होगी, पूरी जिम्मेदारी, फुल जिम्मेदारी। कंडीशन वगैरह सब कंडीशन बिल्कुल फिट होती है आपके ट्रैक्टर की? और नाम करा के देते हैं किसान को ट्रैक्टर आप? जो नाम कराना चाहे नाम कराते हैं, नहीं कराना चाहते कोई, कागजों की और उसकी जिम्मेदारी। चलिए, धन्यवाद मन्नू भाई, शुक्रिया आपका। भाइयों, हम आपको एक बात और बता देना चाहते हैं कि शामली, बड़ौत और मुजफ्फरनगर का बाजार जहांगीरपुर, गौतम बुद्ध नगर के बाजार के मुकाबले थोड़ा महंगा है, लेकिन यहाँ के ट्रैक्टर काफ़ी अच्छी कंडीशन के हैं और ट्रैक्टरों के कागज़ हैं पूरे, और यहाँ के जो मालिक ट्रैक्टर बेचने का धंधा करते हैं वह पूरी तसल्ली देते हैं ग्राहकों को। आप पूरा उनके साथ सौदेबाजी कर सकते हैं, जो रेट वो बता रहे हैं इसमें सौदेबाजी हो सकती है, चैनल की रेट के मामले में कोई जिम्मेदारी नहीं है। आप स्वयं जांच परख लें और देखें, जानें गोदाम के मालिक से कौन सा ट्रैक्टर किस हालत में किस रेट पर आपको उपलब्ध हो सकता है। तो भाइयों, यह थी बड़ौत के ट्रैक्टर बाजार की पार्ट 2 वीडियो, आगे भी एक वीडियो हम आपको दिखाएंगे। इसके अलावा शामली ट्रैक्टर बाजार की भी दर्जन भर वीडियो हैं, और मुजफ्फरनगर ट्रैक्टर बाजार सहित जहांगीरपुर, गौतम बुद्ध नगर और सैदनगली, अमरोहा की भी दर्जन भर से अधिक वीडियो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में है। ट्रैक्टर, जनरेटर, कार और बाइक बाजार सहित खेती किसानी के अनुभव और अनुभवी किसानों के ट्रैक्टर सहित अनेक वीडियो चैनल की प्लेलिस्ट में है, आप देख सकते हैं। जिन साथियों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और देखते रहें खबरों के साथ साथ किसानी खेती के कामकाजी बाजार की पड़ताल।